आप देख रहे हैं इंस्टा फीड। चलिए नजर डाल लेते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर रफ्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ कल रात उनकी बैठक के बाद किसानों के समूह दिल्ली हरियाणा सीमाओं पर बैठक कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच गतिरोध को हल करने में विफल रहे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ आज होने वाली एक बड़ी बैठक, विरोध प्रदर्शन शुरू होने के बाद से छठी बंद का आह्वान किया। किसान नेताओं ने नए कृषि कानूनों में संशोधन करने के सरकार के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और यह कहते हुए कि वे विधानों के परे मार्जिन से कम नहीं है। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे मंगलवार को आंदोलनरत किसानों को समर्थन देने के लिए एक दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जिन्होंने भारत बंद को केंद्र के कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की है। अन्ना हजारे ने भी कहा कि आंदोलन पूरे देश में फैला जाना चाहिए और ताकि सरकार पर काश्तकारों के हितों के लिए काम करने का दबाव बने। भाजपा ने राजस्थान में 4,371 पंचायत समिति क्षेत्रों में से 1,835 सीटें जीती और 11 जिले परिषद सीटों में अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा पार करने में सफल रही। 636 जिला परिषद सीटों में से 312 पर जीत हासिल की। यह परिणाम मंगलवार को 11:40 पर राजस्थान राज्य चुनाव आयोग की वेबसाइट द्वारा प्रकाशित आंकड़ों पर आधारित है। बुधवार को 60 से अधिक देशों के दूतों ने भारत बायोटेक की एक सुविधा का दौरा किया, जो कोरोनावैक्सीन के लिए भारत का पहला स्वदेशी वैक्सीन विकसित कर रहा है। वैक्सीन विकसित करने के लिए दोनों कंपनियों की सुविधाओं को देखने के लिए राजनायक हैदराबाद की एक दिवसीय यात्रा पर है। दक्षिण कश्मीर में पुलवामा जिले में मुठभेड़ हो गई। कश्मीर पुलिस सेना की 55 RR और CRPF की एक संयुक्त टीम ने क्षेत्र में आतंकवादियों की उपस्थिति के बारे में विशेष जानकारी पर एक घेरा और तलाशी अभियान चलाया। उनके पास में भारी मात्रा से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया। ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव में व्यापक मतदाता धोखाधड़ी और चुनावी कदाचार के बारे में निराधार दावे कर रहे हैं। राज्य चुनाव अधिकारी और मीडिया ने इस तरह की किसी भी धोखाधड़ी से इनकार किया है। चुनाव अधिकारियों ने बाइडेन को राष्ट्रपति चुनाव घोषित किया क्योंकि उन्हें 538 इलेक्टोरल कॉलेज के मतों में से 270 से अधिक प्राप्त हुए हैं। BSE सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 272.22 अंक या 0.60% बढ़कर 45,881.73 पर पहुंच गया, जबकि NSE निफ्टी 78.25 अंक या 0.58% उछलकर 13,471.20 अंक पर पहुंच गया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा 2-दिवसीय दौरे पर बुधवार को कोलकाता पहुंचे हैं। वह जैसे ही कोलकाता में BJP ऑफिस पहुंचे, कुछ लोगों ने ऑफिस के बाहर हंगामा शुरू कर दिया और गो बैक के नारे लगाए। JP नड्डा कोलकाता के हेस्टिंग एरिया में BJP के चुनाव प्रबंधन कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे थे। वहां पर हंगामा करने वाले लोग नए कृषि कानून को लेकर उनका इस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। फोर्ब्स के एशिया प्रशांत क्षेत्र में सोशल मीडिया पर सबसे प्रभावशाली हस्तियों की सूची में अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, आलिया भट्ट और ऋतिक रोशन ने स्थान बनाया है। इस सूची में कैटरीना कैफ, अनुष्का शर्मा, जैकलिन फर्नांडिस, शाहिद कपूर, माधुरी दीक्षित के अलावा गायिका श्रेया घोषाल और नेहा कक्कड़ का भी जिक्र है। 100 डिजिटल स्टार सूची में फोर्ब्स एशिया ने उन हस्तियों पर प्रकाश डाला जो शारीरिक तौर पर शामिल होने वाले कार्यक्रमों और गतिविधियों को रद्द करने के बावजूद अपने प्रशंसकों के साथ बातचीत करने, जागरूकता बढ़ाने, आशावाद को प्रेरित करने और यहां तक कि COVID-19 राहत जैसे कारणों के लिए भी सोशल मीडिया का उपयोग करने में सक्रिय रहे। देश में अब तक कोरोना मरीजों की कुल संख्या 97,35,850 हो गई। वहीं भारत में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,41,360 पर पहुंच गया है। देश में अब तक 92,15,581 लोग इस बीमारी से रिकवर हो चुके हैं और देश में अब कुल एक्टिव मामलों की संख्या 3,78,909 हो गई है। देश दुनिया की ऐसी अहम खबरों के लिए देखते रहिए इंस्टा फीड। InstaFeed.